नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अक्षय तृतीया ये एक हिंदू धर्म का पर्व है। लोग इसे बहुत अच्छे से अक्षय तृतीया में लोग समझते हैं कि इसमें क्या लोगों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित राजेंद्र दुबे जी। आज हम इनसे बहुत सारी अक्षय तृतीया के बारे में जानकारी जानेंगे कि क्या क्या इसके कौन सा इसका शुभ मुहूर्त है, इसमें क्या क्या पूजा करनी चाहिए। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये अक्षय तृतीया का क्या है? जी, पहले तो मैं सारे व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ अक्षय तृतीया की बहुत बहुत ढेर सारी आपको बधाई हो। आज हम जानने वाले हैं कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। दोस्तों, अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व है दोस्तों कि आप नाम से ही सोच रहे होंगे कि अक्षय तृतीया, अक्षय मतलब दोस्तों जिसका कि क्षय नहीं होता है, जिसका कि समाप्ति नहीं होती है। तो इसके महत्व के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये इसका आज का दिन इतना बहुत महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो सबसे पहली बात है कि परशुराम जी जो ब्राह्मण थे, उनका जन्म आज के दिन हुआ था। अगर आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, उनका नाम है अक्षय कुमार, तो अक्षय कुमार की वजह से ही अक्षय की जो तिथि ये शुरू हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो गंगा जो माता जी है, जिसमें हम पाप धोते हैं, इसी दिन गंगा स्वर्ग से भागीरथी जी पृथ्वी पर लेकर के आए थे। कितना बड़ा दिन हो सकता है दोस्तों, ये आप सोच सकते हैं। त्रेता युग जो कहते हैं, त्रेता युग कब शुरू हुआ, तो त्रेता युग का प्रारंभ भी आज के दिन से ही शुरू हुआ था। और सबसे बड़ी बात की गणपति जी ने आज से ही महाभारत लिखना प्रारंभ किया था वेद व्यास जी के बोलने के ऊपर से। तो इतनी सारी खूबियां इस अक्षय तृतीया में है दोस्तों। अभी एक समाप्त नहीं हुआ है, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि शंकराचार्य जी जो थे, आदि शंकराचार्य जी, उन्होंने कनक धारा स्तोत्र का पाठ करके स्वर्ण की वर्षा की थी। वो दिन आज ही का था जब उन्होंने कनक धारा स्तोत्र का पठन किया था। अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं तो महाभारत का जो युद्ध इतना समय चला और काफी लोगों की हानि हुई उसमें, महाभारत का युद्ध भी आज ही के दिन समाप्त हुआ था दोस्तों। और हम अगर हम देखें तो जैन के जो तीर्थंकर हैं, सबसे पहले तीर्थंकर जो थे आदिनाथ जी, ऋषभ देव जी, उन्होंने 13 महीने का उपवास भी आज ही पारणा करके, गन्ने के जूस पी करके समाप्ति की थी। दोस्तों, ये साधारण दिन नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। और इस दिन मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें हुई थी, इसीलिए अक्षय तृतीया एक साल में ऐसा पर्व है दोस्तों कि हमें जो भी चीजें हैं ये अब हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन इसका महत्व हमने आपको बताया कि ये साधारण दिन नहीं है। यहाँ पर किया गया जो भी कार्य है उसका आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जी सर, मेरा एक और सवाल है कि इसका मुहूर्त कब से कब तक का रहता है? अक्षय तृतीया का ये जो रहता है, इसका मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक होता है? दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा अर्चना ने बात की है कि मुहूर्त, देखो मुहूर्त एक ऐसा बीज होता है दोस्तों कि बीज अगर हम समय पे लगा दें तो कहते हैं ना कि उसका वृक्ष भी अच्छा आता है। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन साथ में इसमें इस आज का जो पर्व है, वैसे तो हर साल आता है अक्षय तृतीया, लेकिन ये पर्व आज क्यों इतना खास होने वाला है? तो सबसे पहली बात है, इसमें त्रिपुष्कर योग आ रहा है दोस्तों कि जो भी पुण्य हम करते हैं वो 3 गुना बढ़ के वापस हमें मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात त्रिपुष्कर योग है। उसके बाद में अगर हम बोलें तो सौभाग्य योग कहा जाता है। सौभाग्य योग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इसमें भी बहुत सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। त्रिपुष्कर योग की अगर हम बात करें तो 5:45 से ये शुरू होगा अर्ली मॉर्निंग, और 7:45 तक ये पुष्कर की बेला अपनी रहने वाली है। साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि आयुष्मान योग जो है वो 8:03 तक सुबह के वक्त रहने वाला है। और सौभाग्य योग जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट योग है दोस्तों, ये भी आज ही के दिन मिल रहा है हमें। ये 8:10 से शुरू होगा और शाम के पूरा इवनिंग तक ये आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये पर्व बहुत ही शुभ हो जाता है। और सबसे अगर इस योग में त्रिपुष्कर योग जैसा योग मिला है तो इसका तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ही बड़ा महत्व है अक्षय तृतीया के दिन में। ये जो मुहूर्त है दोस्तों, ये 22 तारीख का जो मुहूर्त मैं दे रहा हूँ, ये शुरू होने वाला है 7:49 सुबह से शुरू होगा और अगले दिन मतलब 23 तारीख के 7:47 तक अक्षय तृतीया मनाई जाएगी।
जैसे कि अभी हमें बता दिया गया कि इस अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, उसके मुहूर्त के बारे में बता दिया गया, लेकिन अब बहुत से लोगों को ये जानने की इच्छा होती है कि इस दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए और इस दिन क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में भी आप कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल, आज तो ये बड़ा पावन दिन होता है और आज के दिन क्या करना चाहिए दोस्तों, ये सबके लिए सवाल है। सब लोग द्वंद्व में कि हमें करना क्या है, और बहुत सारे लोग जो चैनल देख रहे हैं तो अक्षय तृतीया शायद बहुत सारे लोगों को जानकारियां नहीं होती है, लेकिन आज ये मुंबई मेट्रो की तरफ से हम ये एक सारे लोगों को मार्गदर्शन मिले इसी के लिए हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि आज के दिन लक्ष्मी जी का जो पूजा है वो हमें अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का ही दिन होता है आज। लक्ष्मी की पूजा करने से हमें बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा, गणपति जी का आज आह्वान आपको अवश्य करना चाहिए, गणपति का भी पूजन आपको सर्वप्रथम करना चाहिए, ये करना ही हमारे शास्त्रों में इसका विधान कहा गया है। साथ में माँ लक्ष्मी को आज मखाने की जो खीर होती है दोस्तों, वो खीर का भोग आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, बहुत सारा आशीर्वाद आपको देती है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज का जो दिन होता है वो दोस्तों हमारे पितरों को मनाने का भी दिन होता है। पितर जो हमारे रूट के गए हुए हैं, काफ़ी लोग जो अतृप्त होते हैं, जिनको पानी नहीं मिलता है, जो किसी कारणवश चले गए हैं, वो किसी की जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो वो इच्छाएं पूरी करने के लिए जो जातक है, उनके वंश का जो जातक है इस पृथ्वी पर, वो पिंडदान उनको अवश्य करना चाहिए। पिंडदान का आज बड़ा महत्व होता है, जिससे हमारे जो पूर्वज हैं वो बहुत खुश होते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, और आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो पूरी तरीके से अच्छे से बनने लग जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आज का दिन आपको थोड़ा सा जप करना चाहिए, आप आज के दिन आपको थोड़ा सा यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करना चाहिए, गणपति जी का आह्वान करना चाहिए, ये पर्व इतना शक्तिशाली है। जी, जैसे कि हमें ये भी बता दिया गया कि इस अक्षय तृतीया के दिन किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान को कौन से प्रसाद भी चढ़ाने चाहिए, और ऐसे ये भी सवाल है कि भाग्य वृद्धि और धन वृद्धि, इनके उपाय क्या करना चाहिए? जी दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारी चीजें खरीदने का तो हमारा विधान है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सर्वोपरि है जो माँ लक्ष्मी जिसके अंदर वास करती है, वो होता है स्वर्ण धातु। दोस्तों, इस तरह धातु का बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में, इसलिए आपने देखा होगा कि सोमनाथ जो मंदिर था पूरा स्वर्ण से रचित था, है कि नहीं? और हमारे आज भी मंदिरों में सोने का बड़ा महत्व है, तो आज के दिन सोना जरूर खरीदना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उसके बाद जो लोग अगर सोना नहीं खरीद सकते हैं तो चांदी अवश्य खरीदना चाहिए, उनको चांदी भी अपने आप में एक शीतल धातु कही गई है। चांदी के साथ पीतल आता है, पीतल के बाद में तांबा जो धातु है बहुत ही पावरफुल धातु है, कांसा है, फिर कहते हैं ना कि घर के लिए बहुत सारी चीजें आप खरीद सकते हैं, घर का जो भी एक लग्जरी का आइटम होता है वो भी आज आपको खरीद लेना चाहिए। अगर आप कपड़ों के बहुत शौकीन हैं कि नहीं हमें स्वर्ण नहीं खरीदना है, कपड़े खरीदने, तो कपड़े खरीद सकते हैं, परफ्यूम खरीद सकते हैं, ये तमाम तरह की चीजें जो है आप वो खरीदने में सक्षम है, वो आप खरीद सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा महत्व होता है कि धातुओं का बड़ा महत्व है। आज के दिन में आपको स्वर्ण, सिल्वर, कॉपर, ये कुछ ना कुछ, और अगर आपकी कहते हैं ना कि अपनी एक यथा अनुसार हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ खरीदता है, तो आपके पास अगर स्वर्ण की खरीदने की ताकत नहीं है, चांदी खरीदने की ताकत नहीं है, तो सोचेंगे कि पंडित जी हमारे लिए क्या, हम कुछ खरीदे नहीं क्या, तो चिंता नहीं करिए, आप घर के कोई ना कोई बर्तन, आज आप कोई ना कोई बर्तन घर के खरीद के लेके आ जाइए, कॉपर का लोटा हो गया, ग्लास हो गया, वाटी हो गई, चम्मच हो गए, तमाम तरीके के आज ला करके उसको हल्दी कुंकू करके अगर आप रखते हैं तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। तो मैंने बड़ी आसानी से आपको बता दिया कि आपके पास जैसा भी पैसा है, जैसे भी यथासंभव आप जैसे हैं उस प्रकार की चीजें आप खरीदने में सक्षम होंगे आज। जैसे कि अभी आपने बताया कि सोना चांदी ये खरीदा जा सकता है, लेकिन ये भी आपने बता दिया कि जो लोग इतने सक्षम नहीं है कि वो सोना या चांदी खरीद पाए, तो वो बर्तन भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसका भी क्या कोई मुहूर्त है, सोना चांदी खरीदने का या बर्तन खरीदने का, इसका क्या मुहूर्त है? जी अर्चना जी, तो आज एक एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे तो मतलब लग रहा है कि आज काफी कुछ जानकारी आप सारे लोगों को मिलने वाली है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सही में कहा जाए तो अक्षय तृतीया के दिन मुहूर्त देखा नहीं जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं हम चौघड़िया को भी मानते हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ मुहूर्त निकाले हैं अक्षय तृतीया में, जिसमें आप स्वर्ण या कोई भी धातु खरीदना चाहते हैं तो वो आप खरीद सकते हैं। ये मुहूर्त जो निकल के आ रहा है वो सुबह 7:52 से शुरू हो रहा है और 9:27 का एक मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त की बात करें दोस्तों, तो 22
दूसरा मुहूर्त की अगर हम बात करें तो दोस्तों 12:37 से शुरू हो रहा है वो, और 5:23 तक ये मुहूर्त रहने वाला है। शाम का अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो 6:58 से शुरू हो रहा है और 8:23 तक ये मुहूर्त रहने वाला है। तो आप जाइए और आपका जो भी पास में जो भी शॉप है वहां पर से एक जो भी आप मैंने जो बताया है वो आप खरीद सकते हैं। स्वर्ण खरीदिए, तांबा खरीदिए, कॉपर खरीदिए या कोई भी घर के बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। ये मुहूर्त अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त है। तो भाग्य वृद्धि और धन वृद्धि इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? जी दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि भाग्य वृद्धि। दोस्तों बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन उनका भाग्य साथ नहीं देता है, और धन की इच्छा किसको नहीं होती, माँ लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए इस पृथ्वी पर, है कि नहीं? बड़े से बड़ा व्यक्ति है तो वो सोचता है और बड़ा हो जाओ, छोटा व्यक्ति चाहता है कि मैं और बड़ा हो जाओ, है ना? तो इच्छाएं तो पूरी हमेशा चलती रहेगी जब तक जीवन है। तो इसके अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी 7 चीजें आपको खरीदनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, भगवान विष्णु आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए। तो ऐसी शास्त्रों में कौन सी ऐसी 7 चीजें हैं वो आपको खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि मैं आपके कैमरे में भी दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है, ये इसको कहा जाता है माँ लक्ष्मी का मेरु यंत्र है। दोस्तों ये आप देख रहे होंगे, तो ये खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन शुभ मुहूर्त में अगर आप ये ला करके घर में इसको स्थापना करते हैं तो मान के चलिए कि माँ लक्ष्मी आपको बहुत सारा आशीर्वाद देती है। अपने आप में एक सिद्ध यंत्र होता है, तो ये यंत्र आपको अवश्य आज खरीद करके लेकर के आना चाहिए। इससे बहुत माँ की कृपा आप पे बरसती है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि कहा जाता है कि ये एक आप देख रहे हैं लक्ष्मी जी का ये भाई भी है, इसे दक्षिणावर्ती शंख कहा जाता है। दक्षिणावर्ती शंख बहुत ही प्यारा शंख होता है, ये आप देख रहे होंगे जो दक्षिण भाग से खुलता है। ये आज के दिन खरीद के लाना, एक सौभाग्य में वृद्धि होती है, आपका भाग्य में वृद्धि होती है और बहुत सारा धन भी आपको प्राप्ति हो जाएगा अगर आप ये लेकर के आके खरीदते हैं। तीसरी बात कहना चाहता हूँ कि आप लक्ष्मी जी की मूर्ति भी आप कोई भी चांदी की ले सकते हैं, पीतल की ले सकते हैं, ये लेकर के आना भी बहुत आपको धन में वृद्धि की मैं चाहता हूँ कि ये भी एक माता जी आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगी। और उसके आगे अगर हम देखें तो दोस्तों मिट्टी का एक घड़ा भी आप खरीद के लेकर आ सकते हैं। मिट्टी का घड़ा भी एक सौभाग्य का सूचक है। ये घड़े को आप अच्छे से पानी भर के रखिए और उसमें पानी पीना शुरू करिए, तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। कुछ लोग ये सारी चीजें हैं तो और क्या करें। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर माँ लक्ष्मी की अगर आप पादुका भी लेके आ जाए, चरण भी लेके आ जाए अगर आप, तो ये भी एक सौभाग्य में वृद्धि करता है, आपके भाग्य को वृद्धि कर देगा और कहीं ना कहीं आपके धन के जो रुके हुए कार्य हैं वो भी सुचारू रूप से चलने शुरू हो जाएंगे। राशि के अनुसार भी ऐसा क्या करें जिससे लाभ हो? जी दोस्तों, सब लोग सोच रहे होंगे कि सबके बारे में बता रहे हैं लेकिन हम राशि वाले लोग क्या करें, क्योंकि 12 राशियां कही गई हमारे शास्त्रों में। तो 12 राशि वाले लोग को अपसेट होने की जरूरत नहीं है। आज हम बताने वाले हैं कि कौन सी राशि वाले कौन से धातु खरीदें जिससे उनके भाग्य में वृद्धि हो और उनके रुके हुए कार्य समाप्त हो जाएं और उनको बहुत सारी सफलता उनको मिले। मेष राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले, ये जो 2 राशि वाले लोग हैं दोस्तों, इनकी जो धातु है, ये लोग कॉपर अगर खरीद के लेकर के आते हैं, तांबे का कोई भी लोटा खरीदते हैं या फिर ग्लास खरीदते हैं या चम्मच ही खरीद लेते हैं, तो उनको वृद्धि होना शुरू हो जाती है। दूसरा है दोस्तों वृषभ राशि और तुला राशि वाले लोग के लिए चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। कड़ा खरीद लीजिए, अंगूठी खरीद लीजिए या फिर अगर आप फीमेल हैं तो पैर की जो पायल होती है वो भी आप खरीद सकते हैं, ये सौभाग्य का सूचक माना जाता है। मिथुन राशि और कन्या राशि वाले लोग के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कांसे का कोई भी बर्तन आप खरीद सकते हैं। कांसा के बहुत सारे बर्तन मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें भी लोटा मिल जाएगा आपको, तरह तरीके के बर्तन अवेलेबल हैं, इससे भी आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वो गति होने शुरू हो जाते हैं। अब बचा दोस्तों धनु और मीन राशि जो बची हुई है। धनु और मीन राशि इनका स्वामी गुरु है, तो आज के दिन आप लोगों को स्वर्ण का कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए। रेडीमेड स्वर्ण भी आपको मार्केट में अवेलेबल है 1 ग्राम का, वो भी आप खरीद सकते हैं, ये भी आपके लिए धन का आगमन करने जैसा है। अब जो एक राशि बची है वो है कर्क राशि। कर्क राशि का तो कहें तो दोस्तों चांदी इनकी खुद की प्रिय राशि है, प्रिय राशि का स्वामी जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा के लिए प्रसन्न होने के लिए मैं कहना चाहता हूँ आप चांदी का कोई भी चीज आज आप खरीद सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत शुभ है। और सबसे अंतिम राशि जो बची है दोस्तों वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोग के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि स्वर्ण की चीज खरीदेंगे तो आपको बहुत धन लाभ होगा। तो दोस्तों इसमें मुझे लगता नहीं कोई राशि छूटी है, 12 राशि वाले लोग के लिए मैंने बता दिया है, आप अवश्य अपने राशि के हिसाब से धातु अवश्य ही खरीदिएगा।
तो आज के दिन में क्या उपाय करने चाहिए या फिर क्या दान करना चाहिए? जी दोस्तों, कहते हैं ना कि आपने यज्ञ कर लिया, पूजा कर ली, लेकिन अगर आप दान नहीं देते हैं तो दोस्तों सारा चीज आपका व्यर्थ होने वाला है। तो इसीलिए दान में मैं कहना चाहता हूं कि दान, अगर आप दान जो देते हैं उस दान से आपके कई जन्म के कर्म कट होते हैं और समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। और जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, पुण्य कब उदय होता है? जब हमारे पाप क्षय होते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, एक कलश लेना है, कलश में आपको जल भर के, थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप किसी भी ब्राह्मण को मंदिर में जाकर के आपको देना है। इससे बहुत सारा आशीर्वाद आपको मिलेगा। भगवान विष्णु को, जो लोग करियर में बहुत तकलीफ है, जिनको जॉब नहीं मिल रही या फिर प्रमोशन नहीं हो रहा है और बहुत परेशानी में रहते हैं हमेशा, वो लोग भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के उनको एक चंदन का टुकड़ा आप दान करिए और आपकी प्रार्थना बोलेंगे तो ये मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। जौ, दोस्तों जौ को स्वर्ण के समान कहा गया है। आज के दिन जौ दान करना मतलब आपने स्वर्ण दान करने जैसा कहा जाता है। तो जौ का दान करना चाहिए, इससे आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। मिट्टी का जो बर्तन है दोस्तों, मिट्टी के बर्तन में आप किसी को भी मिट्टी का बर्तन अगर आप दान करते हैं तो आप मान के चलिए आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। मिट्टी के बर्तन में बहुत सारी चीजें आ जाती है, घड़ा आ जाता है, लोटा आ जाता है और पानी पीने का भी आज तो बहुत इंप्रूवमेंट हो चुका है, तो मिट्टी के बर्तन भी आप दान कर सकते हैं। आर्थिक जिनकी तंगी है उनके लिए भी मैं बहुत अच्छा उपाय बताने के लिए जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, आप कोई भी कुंभ लेकर के दान करिए, शक्कर का दान कर सकते हैं। पंखा आता है दोस्तों, गर्मी में बहुत लोगों को पंखे की जरूरत होती है, पंखा या छोटा सा आप फैन कोई भी आप दान कर सकते हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। छाता का दान करना शास्त्रों में कहा गया है, बहुत ही शुभ है। फल का दान आपको करना चाहिए और सबसे बड़ी बात है अनानास का दान करने से माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। और सारी मनोकामना पूर्ण होने के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अनार का जो फल होता है वो दान करना चाहिए। दान की बड़ी विशेषता कही गई है, इसीलिए सारा उपाय करने के बाद में ये उपाय आप सारे लोगों को कर लेना चाहिए। जी देखिए, हमें उपाय के बारे में और दान के बारे में बहुत सारी बातें बता दी गई, लेकिन अब एक ये भी सवाल बार बार आता है कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में भी आप जरा कुछ बता दीजिए कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। जी देखिए, बहुत सारी चीजें होती है कि जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाती है, लेकिन हमारा तो काम यही है कि आपको हम अवगत कराते रहें कि शुभ चीजें क्या आप लेकर के तो आ रहे हैं, धातु लेकर के आ रहे हैं। और कभी कभी लोगों को ज्ञान नहीं होता, लेकिन ये मेट्रो मुंबई अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये नॉलेज जरूर मैं बता देना चाहता हूँ कि आज के दिन आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो सावधानी अगर बरतते हैं तो बहुत ही शुभ होगा। सबसे पहली बात है कि आपको आज के दिन प्याज और लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, तुलसी के पत्ते अगर आपको तोड़ते हैं, जैसे आपके घर पे बहुत तुलसी, बहुत सारे लोग पत्ते तोड़ते हैं, तो आज के दिन तुलसी के पौधे में से पत्ता आपको नहीं तोड़ना चाहिए। तीसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि आज आपको भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए दोस्तों, आज के मुहूर्त में भवन निर्माण का नींव नहीं रखी जाती है। चौथी बात है दोस्तों, शरीर और घर ये दोनों चीज ऐसी है कि अगर पवित्र ना हो तो गंदगी आ जाती, नेगेटिविटी आ जाती है। तो आज आपको अच्छे से स्नान करना, गंगा जल डाल के स्नान करना है, थोड़ी सी हल्दी डाल करके आपको स्नान करना है और घर को गंदा नहीं रखना है, अन्यथा माँ लक्ष्मी रूठ करके चली जाती है। पांचवा उपाय है दोस्तों कि आज के दिन, आज अगर आप ऑफिस से घर की तरफ जा रहे हैं तो आज आपको खाली हाथ घर पर नहीं जाना चाहिए, अशुभता का संकेत होता है। तो कुछ ना कुछ आप घर पे लेकर के अवश्य साथ में जाना चाहिए, कुछ नहीं तो फली लेकर के आप घर पे जाइए। और अंतिम में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जुआ लोग नहीं खेलने चाहिए आज के दिन। चोरी, जो लोग अगर सोच रहे हैं चोरी, मतलब किसी को गलत सलाह भी एक प्रकार की चोरी, या किसी के ऊपर आपकी किसी सामग्री के ऊपर आपकी गलत दृष्टि पड़ गई, वो भी एक प्रकार की चोरी है। तो आज के दिन आपको चोरी हो गया, जुआ हो गया, और कोई अगर आपको कोई अच्छे से बात पूछ रहा है, कहीं जाने की बात वगैरह पूछ रहा है, तो उसको आप सच बताइए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सारी चीज़ों का आज आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये अक्षय तृतीया अपने आप में एक शक्तिशाली समय है, अच्छा पर्व है। ये दिन में जो भी आप करेंगे वो कई जन्मों तक आपके काम आने वाले हैं, कई जन्मों के पुण्य आज आप ये छोटे से उपाय करके, छोटा सा दान करके, और जो ये मैंने सारी चीजें बताई है वो अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो मान के चलिए आपका लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। जी देखिए, आपने बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन अभी भी लोगों को कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन रहता है कि ये 22 तारीख को अक्षय तृतीया है या 23 तारीख को है। तो आप भी, ये जो लोगों का कंफ्यूजन है कि कौन से दिन रहेगा, 22 को या 23 को, तो ये भी बता देंगे दर्शकों को तो बहुत बेहतर रहेगा। जी, अब
प्रोग्राम का अंतिम पड़ाव है तो ये जरूर है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि है अभी भी कि 22 तारीख या 23 तारीख। दोस्तों तिथि का बड़ा हमारे शास्त्रों में महत्व कहा गया है, तो बहुत सारे साधारण लोग सोचते हैं कि दो दिन कैसा है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। कुछ कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिसमें त्रिव्यापनी योग कहा जाता है, और वो त्रिव्यापनी योग जिस दिन हो उसी दिन अक्षय तृतीया मनाई जाती है। तो 22 तारीख को त्रिव्यापनी पूर्णता हमारे शास्त्रों में वर्णित है, वो हमें मिल रही है, लेकिन 23 तारीख की सुबह तक वो सिर्फ और सिर्फ 7:47 के अंदर ही समाप्त हो रहा है। तो पूरा दिन हमको अक्षय तृतीया के लिए मिलने वाला नहीं है, इसीलिए इस पर्व को 22 तारीख ही शास्त्र ने कहा गया है, 22 तारीख को आपको ये अक्षय तृतीया मनाया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि 5:15 जहां सूर्योदय होगा, मतलब 23 तारीख को ये सूर्योदय जो होने वाला है वो ईस्ट में आसाम में होगा दोस्तों, बंगाल की तरफ होगा, जो पूर्वी राज्य हमारे देश में लगे हुए हैं वहां पर अक्षय तृतीया 23 तारीख को मान्य हो सकती है और होने वाली भी है, लेकिन वो अक्षय तृतीया सिर्फ 7:47 तक ही मान्य रहने वाली है। इसीलिए ये जो हमारा जो मुंबई का समय है साउथ में है, फिर आप नॉर्थ साइड चले जाइए तो यहाँ पर 22 तारीख ही जो त्रिव्यापनी योग बना हुआ है वो 22 तारीख को ही बन रहा है। तो हम लोगों को पूजा पाठ यज्ञ हवन और जो दान है वो 22 तारीख को ही संपन्न कर लेना चाहिए। इसके अंदर मन में कोई भी आपकी दुविधा नहीं होनी चाहिए कि 23 तारीख को है या 22 तारीख को, हमें अक्षय तृतीया 22 तारीख को ही मनानी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को अक्षय तृतीया का महत्व बताया, उस दिन क्या दान करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस भगवान की पूजा किस प्रकार से की जानी चाहिए, भगवान को कौन से प्रसाद चढ़ाने चाहिए, बहुत सारी ऐसे तमाम बातें इसमें आपने बताई हमारे दर्शकों को। उन्हें भी ये जानकारी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जानकारी रह जाती है, उन्हें नहीं पता, लेकिन आपने जितने भी उनके जितने भी सवाल थे वो उन सभी को बता ही दिए इन सवालों में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए मेट्रो मुंबई। धन्यवाद।